ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة دور پڑھیں محمد علیہ وسلم अज़ान मोहतरम माह ज़िलक़ादा जो कि इस्लामी साल के महीनों में से एक ऐसा महीना है कि जिसे अशहरुल हुरुम यानि काबिले एहतराम महीनों में से एक महीना करार दिया गया। सूरह बारिक़ तौबा में परवरदिगार आलम ने इस बात का ऐलान किया कि हम ही वो ज़ात हैं कि जिन्होंने साल के इन 12 महीनों को खल किया। इस नता अशरत शहरा यानि हमने साल के 12 महीने करार दिए। वमिन्हा अरबअत हुरुम और इन 12 महीनों में से 4 को काबिल एहतराम बनाया। हमारे पास रिवायात की ऐज़ान मोहतरम की जिसमें मुख्तलिफ अशिया में से परवरदिगार आलम ने 4 चीज़ों को चुना और जिन्हें काबिल फजीलत करार दिया। शहरों में से 4 को चुना, अम्बिया में से 4 को चुना, ख़वातीन में से 4 को चुना और मलाइका में से 4 को चुना। इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने साल के 12 महीनों में से 4 को चुनकर काबिल एहतराम करार दिया और जिनमें से सबसे पहला महीना माह ज़िलक़ादा का महीना है। जिस महीने से हम गुज़र रहे हैं ये महीना सैयद रज़ीउद्दीन इब्ने ताऊस अहम तरीन किताब के जो आमाल के अतबार से मोमिनी के दरमियान इंतहाई मशहूर व मारूफ है जिसका नाम मफातीहुल जिनान है, जो साल के 12 महीनों से मुतालिक अहम दिनों को, उनसे मुतालिक अहम तारीखों को, अहम आमाल का तज़किरा करता है और इसके अंदर मासूमीन अलैहिस्सलाम से मरवी रिवायात है कि किस तरीके से साल के 12 महीनों के अंदर इंसान को अगर मासूमीन से और परवरदिगार आलम से तवस्सुल कायम करना है तो क्या अंदाज़ अपनाया जाए। तो जब हमारे पास एक काबिल क़द्र किताब मौजूद है, इस अंदाज़ की किताब के जो मुस्तनद आलिम दीन की लिखी हुई है, तो उसी को अपने रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि वो फरमाते हैं कि इब्ने ताऊस का ये कहना है कि ज़िलक़ादा के महीने को परवरदिगार आलम ने ख़ास मुश्किल हालात से निकलने के लिए करार दिया है कि अगर कोई शख्स पूरा साल मुश्किल में मुब्तला है और ये चाहता है कि किसी महीने के अंदर या किसी ख़ास दिन में परवरदिगार आलम से मुतवस्सिल हो जाए और अपनी मुश्किल को हल करें, तो परवरदिगार आलम ने साल के इस महीने को इंसान की मुश्किलात के हल के लिए करार दिया है। अब हम आप जब से दुनिया बनी है तब से अब तक इस बात को देखते हैं कि इंसान इन दो हालतों के दरमियान रहता है, कभी सुख में रहता है कभी दुख में होता है, कभी
आसानियों में होता है, कभी मुश्किलात में होता है, कभी खुशियां महसूस करता है तो कभी गमों के अंदर होता है। तो ये इंसान की ज़िंदगी के फितरी तकाजे के जो उसके साथ साथ हैं। और कौन है कि जो गम में या मुश्किलात के अंदर या परेशानी उकला रहने को अपने लिए बाई से सुकून समझता है। हर शख्स चाहे वो दुनियावी एतबार से कहे या उखरवी एतबार से कहे, हर एतबार से अपने आप को सुख में रखना चाहता है, मुश्किलात से दूर रखना चाहता है। लिहाजा अगर दुनिया परस्त होगा तो दुनियावी मुश्किलात के एतबार से अपनी जानिब निगाह करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अगर वाकई इंसान आखिरत को अपनी असली मंजिल भी समझता होगा तब भी वहाँ पर भी इंसान सुख चाहता हुआ नज़र आता है। लिहाजा ये सारे आमाल, सारे दुआएँ, इंसान की नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात, इन सब का मेवर बिलाखिर क्या है कि इंसान ये चाहता है कि मेरी आखिरत की दुनिया सुकून और आसाइश के साथ गुजर जाए। लिहाजा खुद कुरान भी कहता है मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन अव उन्सा, सूरह बकरा के नहल में, कि मर्दों और औरतों में से कोई भी जो नेक अमल करता है हम क्या करेंगे, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन अव उन्सा फलनुहयिनहु हयातन तय्यिबा वलनज़ियन्नहु बिअहसनि मा कानू यअमलून, हम उसे इस दुनिया में भी पाक और पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब करेंगे और उसके अमल से बढ़कर उसे जज़ा देते हुए नज़र आएंगे। तो लिहाजा इंसान चाहता है कि उसकी मुश्किलात आसान होते हुए नज़र आए। और इस महीने को ख़ास इब्न ताऊस फरमाते हैं कि इंसान की मुश्किलात को आसान करने का महीना करार दिया गया है। और लिहाजा एक इब्न ताऊस ही आगे चलकर पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से एक नमाज का भी तज़किरा करते हैं। और यकीनन मोमिनी आजकल तो व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें फॉरवर्ड हो जाती हैं, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी फॉरवर्ड होती हैं, तो वहाँ इस बात का तज़किरा ज़िकादा के महीने के आगाज़ से ही फॉरवर्ड होता हुआ नज़र आया। लोगों की निगाहें अगर उस जानिब पड़ी है तो याद दहानी, और अगर नहीं पड़ी तो एक इंसान इसको तज़किरा हो जाए। वो ये कि फरमाते कि पैगम्बर से रिवायत है कि इस महीने के इतवार के दिन में, यकशंबे के दिन में, इतवार का दिन वो दिन है कि जिसमें ख़ास नमाज का तज़किरा करा दिया गया है। चार रकती नमाज है, दो दो करके पढ़नी है, आसान से तस्करा है, आसान से तरीक़ेकार है, जो मफातिह मौजूद है। मगर मैं सिर्फ उसके सवाब की तरफ इशारा करूं कि जो गुफ्तगू इब्तिदा में कही कि ज़िकादा का महीना आसानियों का महीना है, मुश्किलात को आसान किए जाने का महीना है। पैगंबर फरमाते हैं कि अगर कोई इस नमाज को ज़िकादा के किसी एक इतवार में पढ़ ले तो उसकी दुनिया की मुश्किल आसान हो जाती है, उसकी आखिरत की मुश्किल आसान हो जाती है, आखिरत में उसके दुश्मन उससे राज़ी हो जाएंगे, उसके माँ बाप उससे राज़ी हो जाएंगे, उसकी मौत आसान करार पाएगी, मलकुल मौत रूह की सख्ती के वक्त उसके साथ रहमदिली करता हुआ नज़र आएगा। ये सारे के सारा सवाब जो है वो ज़िकादा के महीने में इस पढ़ी जाने वाली इतवार की नमाज के लिए। फिर इसके बाद बढ़कर मज़ीद ज़िकादा के महीने की फजीलत को आपके सामने पेश करूँ कि इस महीने की एक रात है जो बिल्कुल इसके निस्फ यानि 15वीं ज़िकादा की रात है, जिसके बारे में रिवायत ये मौजूद है कि अगर कोई इंसान इस रात में जाकर इबादत किया करता है और इस तरह से इबादत करता है कि फिर यानी रिवायत के अल्फाज ये हैं कि अगर वो चाहता है कि उसकी मुश्किल का खात्मा हो जाए तो इस रात में दुआ करे, परवरदिगार आलम इस रात के अख्तिताम तक उसकी मुश्किल का खात्मा कर दिया करेगा। फिर इसके बाद इसी ज़िकादा के महीने के अंदर एक और अहम तरीन दिन आता है और वह है 23 ज़िकादा। ये ज़िकादा का महीना अगर मैं कहूँ कि पहली ज़िकादा वो दिन है कि जो रोज़े विलादत है हज़रत फ़ातिमा जो कि मासूमा कुम के नाम से मशहूर है, यानी हज़रत फ़ातिमा बिनते इमाम मूसा काज़िम अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम दुरूद पढ़ाई पढ़ता हूँ, उनकी विलादत का दिन है। और 11 ज़िकादा आठवें इमाम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा की विलादत का दिन है, दुरूद पढ़ाई पढ़ता हूँ मोहम्मद। और फिर 23 ज़िकादा आठवें इमाम की शहादत का तारीखी एतबार से हवाला है। आठवें इमाम की तारीखी शहादत मुख्तलिफ रिवायात है, मगर खुद शेख अब्बास कुम्मी ने मफातिहुल जनान में कहा कि 23 ज़िकादा भी आठवें इमाम की जो तारीखी शहादत बयान की जाती है उनमें से एक है। अब अगर इन सारे हवालों को यकजा करूँ तो मैं ये कहूँ कि ज़िकादा के महीने की एक ख़ास नस्बत आठवें इमाम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम से भी करार पाती है, दुरूद पढ़े मोहम्मद अली।
और फिर इसके बाद एक और अहम तरीन तारीख 25 ज़िलक़ादा कि जब नवे इमाम या गालिबन दसवें इमाम से रिवायत है कि रावी कहता है कि मैं अपने चचा के साथ, यानी इख्तलाफ हो गया चचा और भतीजे में। इख्तलाफ क्या है? एक हमारे इख्तलाफात होते हैं, ठीक है, जो माली मामलात में, कभी दुनियावी मामलात के अंदर एक दूसरे के साथ किसी न किसी एतबार से किसी बात में इख्तलाफ कर जाते हैं। देखिए ये भतीजा और चचा इख्तलाफ क्या कर रहे हैं, पे साल के चार अहम तरीन दिन कौन से हैं कि जिसमें रोज़े रखना मुस्तहब है, और आते हैं इमाम मासूम की खिदमत और आकर कहते हैं कि मौला ये बताइए कि हम में इख्तलाफ है, आप बताइए कि साल के चार कौन से अहम दिन हैं कि जिसमें रोज़ा रखना मुस्तहब है। फिर इमाम इन दोनों के सामने पेश करते हैं कि साल के उन चार अहम दिनों में से एक 17 रबीउल अव्वल है, एक 27 रजब है, एक 25 ज़िलक़ादा है जिसका तذکرہ भी हो रहा है, और एक 18 ज़िलहज। ये साल के चार अहम तरीन दिन हैं कि जिन दिनों में रोज़ा रखना परवरदिगार आलम की निगाह में इंतहाई काबिल एहतराम है। अब आ जाए 25 ज़िलक़ादा, इस रिवायत का हवाला देकर कि 25 ज़िलक़ादा की रात और 25 ज़िलक़ादा का दिन, ये दोनों के दोनों मासूम फरमाते हैं कि अहम तरीन रात और अहम तरीन दिनों में से जो इस रात में जाग कर इबादत करता है। यानी एक रिवायत इससे पहले पेश कर दूं कि ज़िलक़ादा के अंदर हर हफ्ते में और साल के चार काबिल एहतराम महीनों में से हर महीने के अंदर, रिवायत के मुताबिक अगर कोई शख्स जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, दोबारा सुनिएगा, साल के चारों काबिल एहतराम, जो एक साल के चार काबिल एहतराम महीने ज़िलक़ादा, ज़िलहजा, मुहर्रम और रजब, इन चारों काबिल एहतराम महीनों में चार हफ्ते आएंगे, उन चार हफ्तों में से किसी भी एक हफ्ते में अगर कोई इस अंदाज से रोज़ा रखता है कि जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते के तीनों दिनों में रोज़ा रखता है, तो फरमाया कि उसे परवरदिगार आलम 900 साल की इबादत का सवाब अता किया करता है। ज़िलक़ादा पूरे का पूरा महीना रोज़ा रखने के अतबार से ख़ास, इन तीन दिनों के रोज़े की बात हुई। अब इसके बाद बात हो रही है 25 ज़िलक़ादा, जो साल के चार अहम तरीन दिनों में से, रावी फरमाता है कि जो इस रात में जाग कर इबादत किया करता है, ऐसा होता है कि जैसे उसने 60 साल अपनी इबादत में गुजारे हो, और अगर कोई 25 ज़िलक़ादा का रोज़ा रखता है तो ऐसा है कि जैसे 70 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाया करता है। और 25 ज़िलक़ादा का दिन क्या है, इसका एक ख़ास नाम है यौम दहुल अर्ज। यौम दहुल अर्ज का मतलब क्या है, जिस दिन काबे के नीचे पानी के ऊपर ज़मीन को खुदा ने बिछाने का आगाज़ किया, यानी इस ज़रूरी अर्ज में जिस पर आप बसते हैं उसमें ज़मीन बनने का आगाज़ काबे की सरजमीन के दरमियान से हुआ, और आगाज़ का जो दिन था वो 25 ज़िलक़ादा का दिन था। और हज़रात मोहतरम, एक और अहम तरीन बात कि जब 25 ज़िलक़ादा के दिन के आमाल की जानिब आप निगाह करें और 25 ज़िलक़ादा के दिन पढ़े जाने वाली दुआ को पढ़ेंगे, तो आपको एक एहसास डेवलप होगा कि इस दिन का एक ख़ास ताल्लुक़ ज़माने के इमाम के साथ है। आम तौर पे अगर मैं अब भी मजमे से सवाल करूं कि ये बताइए कि ज़माने के इमाम के ज़ुहूर का या क़याम का क्या दिन है, तो वो कह रहे कि आपके दिमाग में, यानी अक्सर लोगों के अल्फाज ज़बान से अदा होंगे कि ये आशूर का दिन है, जुमे का दिन होगा, आशूर का दिन होगा, जबकि 25 ज़िलक़ादा रिवायत के मुताबिक ज़माने के इमाम के ज़ुहूर का दिन है। और इमाम का ज़ुहूर मक्के में नहीं होगा, इमाम का ज़ुहूर मदीने में होगा, इमाम क़याम आशूर के दिन मक्के में करेंगे। यानी ज़ुहूर इमाम का 25 ज़िलक़ादा को मदीने में है और क़याम इमाम का मक्के के अंदर आशूर के दिन होगा। तो ज़ुहूर एक अलग दिन है, क़याम अलग। 25 ज़िलक़ादा इमाम ज़माने के ज़ुहूर का दिन करार दिया गया, यानी 25 ज़िलक़ादा का दिन ज़माने के इमाम से मंसूब है, जब जाकर 25 ज़िलक़ादा की दुआ पढ़ेंगे तब जाकर यह बात और ज़्यादा आपकी निगाह में वाज़ेह हो जाएगी, और जब आप दुआ करेंगे तो उसमें ज़माने के इमाम के ज़ुहूर की दुआ करने का सिलसिला और हवाला भी 25 ज़िलक़ादा के दिन दिया गया है। और फिर ज़िलक़ादा के दिन महीने का एक आखिरी हवाला और आखिरी नस्बत, आखिर ज़िलक़ादा भी कहा जाता है और 29 ज़िलक़ादा भी कहा जाता है, और वो है रोज़े शहादत इमाम जव्वाद इमाम मोहम्मद तकी अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम। तो ये कुल ज़िलक़ादा के महीने की एक मुख्तसर सी वजाहत आपकी खिदमत में पेश की गई कि यह महीना किस कदर अहम महीना है। जिस तरह से इससे पेशतर अगर देखें आप,
तो आपने माह रमज़ान को बड़े अहतमाम के साथ और बड़ी इबादतों के साथ गुजारा, तवज्जो आपकी रजब व शाबान की जानिब भी है, मगर ऐसा लगता है कि साल के ये तीन ही महीने इबादत के महीने, जबकि ऐसा नहीं। साल के चार काबिल एहतराम महीनों में से ये एक ज़िकदा का महीना ऐसा महीना है कि जो ख़ास इंसान की मुश्किलात के हल के लिए एक उनवान करा दिया जाता है, और इस महीने से किसी भी एतबार से इंसान की तवज्जो नहीं हटनी चाहिए। अब आइए कि चूँकि इसी ज़िकदा के महीने में हमारी गुफ्तगू हो रही है, तो इरादा किया कि आठवें इमाम के जिनकी कई मुनासिबतें इस महीने से मंजूम हैं, उनकी सीरत के ऊपर उनके हवाले से गुफ्तगू की जाए। एक रिवायत जो इससे पेशतर भी, जब 2019 के अंदर मैंने इसी मकाम के ऊपर ज़िकदा के महीने के एतबार से ही गुफ्तगू की थी, तो उस वक्त भी इस रिवायत को पेश किया था, और आठवें इमाम की सीरत के एतबार से रिवायत को बहुत कम पढ़ा जाता है, बल्कि तकरीबन पढ़ा ही नहीं जाता है। और शेख अब्बास कुम्मी ने अपनी किताब मुंतहा आमाल, जो फ़ारसी में लिखी गई, जिसका तर्जुमा उर्दू ज़बान में हुआ असदुल मकाल के नाम से, यानी मकाल जो बातें की जाती है, असदुल मकाल जो बेहतरीन बात है वो किसी और की नहीं होगी, इमाम मासूम की होगी। उन्होंने 14 मासूमी से मुतालिक बातों को इस किताबों में जमा कर दिया, और उर्दू के अंदर सीरत आइम्मा की मुनासिबत से अगर कोई मुस्तनद तरीन किताबों में सर फहरिस्त किताब कही जाए तो वो शेख अब्बास कुम्मी की किताब है। शेख अब्बास कुम्मी आठवें इमाम इमाम अली इब्न मुसा रज़ा अलैहि अफ़ज़ल सलातु वस्सलाम, सीरत की मुनासिबत से फरमाते हैं कि छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि अफ़ज़ल सलातु वस्सलाम, से रिवायत है कि रावी कहता है कि मौला एक हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं, और वो ये है कि मौत किसी को भी आ सकती है, मुमकिन है पहले मुझे आ जाए, मुमकिन है पहले आपको आ जाए, और अब मुमकिन है कि इसके बाद फिर हमारी कोई मुलाकात ना हो। ये बताइए कि आपके बाद अगर मैं ज़िंदा रहा तो आपका वसी कौन होगा, आप मुझे उसकी खसूसियात बताइए। छठे इमाम तारीख के अतबार से सबसे लंबी मुद्दत इमामत छठे इमाम की, जो आइमा इस दुनिया से गुजर गए 11वें इमाम तक, सबसे लंबी मुद्दत इमामत छठे इमाम की जो तकरीबन 35 साल है, और सबसे बड़ी उम्र भी छठे इमाम की जो 65 साल है। छठे इमाम कसीरुल अयाल थे, बहुत सारी उनकी औलाद थी। फरमाते हैं कि इमाम फरमाते हैं, उस रावी से मुखातब हो गए कि तूने बहुत अच्छा सवाल किया और बिल्कुल सही सवाल किया। फरमाते हैं कि मक्के के रास्ते में हमारी मुलाकात हुई थी, और मैंने अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आप इमाम तो पाक है मासूम है, लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है कि जिससे किसी को गुरेज नहीं, बस मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए कि मैं अपने पसमानदगान अपने पीछे रह जाने वाले लोगों तक जब वापस पलटूँ हज के सफ़र से, तो फिर जाके उन्हें यह खबर दूँ कि आपके बाद कौन आपका वसी होगा। फरमाया इमाम देखो ये मेरा फर्जंद है और ये इनका बुज़ुर्ग है, उम्र के अतबार से नहीं रुतबे के अतबार से, यानी ये इमाम है इन सब का सरदार है। आपने अपने बेटे मूसा काज़िम की तरफ इशारा किया, और इसमें हिल्म है इसमें इल्म है। फरमाया कि ये उस मारिफत को रखता है कि जिसके सब मोहताज हैं, जिसमें लोग अपने अमरे दीन में इख्तिलाफ़ करेंगे ये उन तमाम को हल करने वाला है। फरमाया कि इसमें खुल्क है यानी इखलाक है, इसने उसने जवार है कि जो उसके पड़े उसमें रहेगा वो कभी तंगज़दा और परेशान नहीं होगा, वो खुदा के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, जो ज़ियारत जामिया के अंदर भी कहा गया कि अंतुम बाबुल्ला। आइम्मा मासूम की एक सिफत ये कि वो दरवाज़ा है कि जिस दरवाजे से दाखिल होकर खुदा तक पहुँचा जाता है। फरमाया कि ये खुदा के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। इसमें एक और बेहतर सिफत भी, देखें मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ आपके सामने आठवें इमाम की सीरत पर, मगर अभी गुफ्तगू हो रही है छठे इमाम बात कर रहे हैं सातवें इमाम पर, अब वहाँ आएगी जहाँ मैं आपको लेके आना चाहता था। छठे इमाम फरमा रहे हैं कि इसमें एक और सिफत भी है, रावी ने कहा मेरे माँ बाप आपके कुर्बान, वो कौन सी सिफत है? फरमाया कि खुदा इसकी पुश से, अब एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, ज़िकादा के महीने का उनवान क्या बयान किया आपकी खिदमत में, मुश्किलात के हल का महीना, और ज़िकादा में पैदा होने वाले इस इमाम की ज़िंदगी का उनवान भी क्या, आठवें इमाम मुश्किलात का हल करने वाला, जिस इमाम का एक लकब इमाम ज़ामिन है। अब इस इमाम ज़ामिन के लकब को कैसे छठे इमाम ने खोला, इस बात को सुनिए। फरमाया कि खुदा
इस मूसा काजिम के पुत्र से इस उम्मत का दाद रस और फरियाद रस, नूर और फहम और हिकम यानि हिकमत वाला, इस उम्मत का बेहतरीन पैदा होने वाला बेहतरीन नोवारिद, इसके ज़रिए परवरदिगार आलम खून को महफूज करेगा और इसकी वजह से इस्लाह करेगा, लोगों के दरमियान झगड़ों को और बिछड़े हुए को मिला देगा, टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, बरहना को लिबास पहनाएगा, इसके सबब भूखों को सैर करेगा, मामून करार देगा खौफजदा को, बारिश बरसाएगा, बंदगान खुदा इसके मोती और इसके फरमा बरदार हो जाएंगे। ये सारी सिफतें आठवें इमाम की, फरमाया इमाम ने वो हर हालत में लोगों से बेहतर होगा, चाहे बुढ़ापे को पहुंच जाए, चाहे अधेड़पन की उम्र में हो, चाहे बचपने में हो, चाहे जवानी में हो, इसके बुलूग तक पहुंचने से पहले इसका कबीला सियादत व सरदारी पैदा करेगा इसी की वजह से। फरमाया इसकी बात हिकमत है, इसकी खामोशी इल्म है, वो लोगों के दरमियान बयान करेगा वो चीज़ जिसमें लोग इख्तलाफ करते होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आठवें इमाम की खुसूसियत बयान की छठे इमाम, और इसके बाद छठे इमाम फरमाते हैं कि जब छठे इमाम की शहादत वाकई हुई, छठे इमाम की शहादत कब है? शव्वाल के महीने, दो तारीखें मिलती है 15 शव्वाल और 25 शव्वाल, सन क्या है 148 हिजरी। आठवें इमाम की विलादत कब है? 11 ज़ीक़ादा 148 हिजरी। ज़ीक़ादा के महीने से पहले कौन सा महीना है? शव्वाल का महीना। छठे इमाम अपने पोते की विलादत से पहले शहादत पा जाते, अपनी शहादत के वक्त इमाम फरमाते काश के मैं अपने बेटे के फर्जन आलिम आले मोहम्मद से मुलाकात कर सकता, यानी जिसकी मुलाकात को छठे इमाम ख्वाहिश का इजहार कर रहे, जिससे मुलाकात का और जिसको एक लकब दे रहे, हम जिस फिरके से या जिस फिक्र से जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते वो है मज़हब जाफरी, फ़िक़्ह जाफरी से ताल्लुक़ रखते, और बच्चा बच्चा ये बात को कहता हुआ नज़र आता है कि छठे इमाम को सबसे ज़्यादा उलूम आले मोहम्मद के फैलाने का मौका मिला, इसी वजह से हमारी फ़िक़्ह फ़िक़्ह जाफरी कहलाती। लेकिन वही इमाम कि जिसको सबसे ज़्यादा उलूम आले मोहम्मद फैलाने का लकब मौका मिला, वही जिस इमाम को आलिम आले मोहम्मद के लकब से याद कर रहा है वो आठवें इमाम है। इसलिए कि मालूम था कि छठे इमाम के बाद जो सबसे ज़्यादा उलूम आले मोहम्मद को फैलाएगा वो आठवें इमाम की ज़ात मुकद्दस होगी। आठवें इमाम के जितने मुनाजरे हमें मिलते हैं इतने मुनाजरे फिर किसी और इमाम के नहीं मिलते, क्योंकि एक फ़र्क है, बाकी सब आइम्मा ने मदीने में बैठकर मुनाजरा किया, उनके मुनाजरे, उनकी गुफ्तगू, उनके मुखालिफिन के साथ बातें एक मखसूस तबके तक रही, मगर खुदा ने आठवें इमाम को एक खसूसियत अता की और यही खसूसियत दुश्मनों ने कैश करने की कोशिश की, वो ये कि कई लोगों की यानी सीरत की किताबों में ये बात मौजूद है, फरमाया कि आठवें इमाम का लकब क्या है? रजा। रजा का मतलब क्या है? जिससे राजी हो जाया जाए। कहिए रजा लकब आठवें इमाम को मामून ने दिया है, जबकि ये सवाल किया गया सातवें इमाम से, फरमाया कि ऐसा नहीं, कहा रजा का लकब हमारे बेटे को इसलिए दिया गया कि ज़मीन पर खुदा यानी ज़मीन के ऊपर सारे आइम्मा उससे राज़ी है और आसमान पर खुदा इससे राज़ी है, चूँकि उसका अमल ऐसा है कि सारी दुनिया के महबूब अफराद उससे राज़ी है, इसलिए उसको लकब रजा दिया गया है। लेकिन फिर क्या वजह बनी कि लोगों ने ये बात मशहूर कर दी कि मामून ने इमाम को लकब रजा दिया? इसलिए कि मामून उस दौर में मौजूद है कि जिस वक्त इसे खिलाफत मिलती है अपने बाप से, तो आधी हुकूमत इसके पास होती है और आधी हुकूमत इसके भाई अमीन के पास होती है। हारून रशीद अभी मरा नहीं होता, उसने अपनी हुकूमत अपनी ही ज़िंदगी में दो हिस्सों में तकसीम करके अपने एक अरब बीवी के बच्चे को दे दी और एक अजबी माँ के यानी एक अजबी अपनी बीवी के बच्चे को दे दी। लेकिन वही हुआ जिससे बचने के लिए हुकूमत को तकसीम किया था, उसी माहौल ने एक मरतबा जंग की सी कैफियत को पैदा किया। 5 साल जंग चलती रही, मामून ने अमीन को कत्ल कर दिया और पूरी की पूरी खिलाफत इस्लामिया पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन अजमी माँ का बेटा था, लिहाजा हालात ख़राब होते गए, अरबों ने मुख्तलिफ मकामात से बगावतें करना शुरू कर दी। एक वजह तो क्या थी कि तुमने बनू अब्बास के अरब शहजादे को कत्ल कर दिया, दूसरी वजह क्या थी कि अरब को कत्ल कर दिया। नतीजे के अंदर अरब इलाका जो है वो बगावत को उतर आया,
बनी फातिमा वैसे ही इख्तलाफ कर रहे थे क्योंकि बनी अब्बास ने हुकूमत इमाम हुसैन के कत्ल के बदले के तौर पर ली थी और आज तक बनी फातिमा को वापस नहीं पड़ती। लिहाजा एक तरफ से बनी फातिमा ने देखा कि जब हालात कमज़ोर हो रहे मामून के लिए तो उन्होंने भी अपने इलाकों में बगावत करना शुरू कर दी। अब मामून फंस गया, करें तो क्या करें, तो उसके वजीर ने उसे मशवरा दिया कि सबसे अच्छी चीज़ जो इस वक्त है और जो तुम्हारे लिए हालात को बेहतरीन कर सकती है वो ये कि तुम आठवें इमाम को ला कर खिलाफत पर बिठा दो। कबू कैसे का इसलिए कि एक तो अरब है तो लिहाजा अरब जो तख्त के ऊपर अरब को देखना चाहते हैं वो बात पूरी हो जाएगी। दूसरी बात, बनी अब्बास को तुम खौफ में लेकर आ जाओ कि अगर तुमने ज़्यादा बगावत की तो बनी फातिमा को हुकूमत दे दूंगा, दे क्या दूंगा, बिठा भी दूंगा। लिहाजा एक मरतबा वो भी डर के खौफ में आ जाएंगे कि भाई हमें इनके साथ ज़्यादा बहस नहीं करनी, ज़्यादा इख्तलाफत नहीं करनी, वरना ये हुकूमत अगली नस्लों के अंदर बनी फातिमा को पहुँच जाएगी और ख़ुद ब खुद बनी फातिमा मुतमईन हो जाएंगी कि उनके सरदार को उनके कबीले के अहम तरीन फर्द को लाकर बिठा दिया गया, तो सारा मुल्क अमन में आ जाएगा। इस चालाकी और सियासत की वजह से उसने आठवें इमाम को मदीने से मरव बुलाया। मरव वो मकाम है कि जहाँ आज इमाम रज़ा की कब्र मुबारक मौजूद है, जिसे हम मशहद मुकद्दस कहते हैं, जो सूबे खुरासान का इलाका था, यही पाया तख्त था, दारुल हुकूमत था मामून रशीद का। इस खातिर इमाम को मरकज़ में बुलाया गया और इसके बाद इमाम ने खिलाफत लेने से इनकार कर दिया, ज़बरदस्ती इमाम को वलीअहद बनाया गया, इमाम के नाम पर सिक्के जारी किए गए। अब हुआ ये कि इमाम को एक मरकज़ी शख्सियत और मरकज़ी सूरत हाल मिल गई। इमाम ने जो खिलाफत के अंदर किसी भी तरीके की दिलचस्पी नहीं रखते थे, क्यों, तो गुफ्तगू इस मकाम तक पहुँचने इज़ार मोहतरम के आठवें इमाम ने खिलाफत कबूल करने से इनकार कर दिया और सबक और वजह वही थी कि जो इससे पहले उनके दादा छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि अफ़ज़लुस्सलाम की सीरत आप लोगों की निगाह में अगर रही हो और याद रहे कि छठे इमाम के सामने के जब मुस्लिम और खुरासानी का कासिद आया था और ये कहकर आया था कि खुरासान की 1,00,000 तलवारें आपका साथ देने को तैयार हैं, आप इजाज़त दें और कबूल करें हमारी इस लश्कर की जो है वो सरबराही और सरदारी को, इमाम ने आने वाले के खत को चराग के सामने उसकी लोह के करीब कर दिया और खत को आग लग गई, खत जल गया। फरमाया कि अपने सरदार को इस खत का ही जवाब दे दें। सरदार खुद चल कर आया अबू मुस्लिम खुरासानी और आने के बाद इमाम से कहने लगा कि मौला हम चाहते हैं कि आप हमारी सरदारी करें, हमारी निगरानी करें, हमारी फ़ौज की क़यादत करें, हम चाहते हैं कि इस वक्त आले मोहम्मद की हुकूमत उनका हक है, उन्हें हम उसे दिलवाएं। इमाम ने फरमाया वाकई तुम्हारा ये इरादा है। पहले तो इमाम ने जवाब दिया कि वो समझदार है तो जवाब समझ जाए, लेकिन अब खुद चल कर आया है तो वाज़े अंदाज के अंदर बात पहुँचानी थी। फरमाया कि कनीज ने जो पीछे तबूक को रोशन किया हुआ था जाकर उस पर बैठ जाओ, अगर तुम हमारी बात मानना चाहते हो, हमें सरदार और हमें कायद समझते हो तो जाओ जाके उस तबूक में जाके बैठ जाओ। अब मुस्लिम खुरासानी के अंदर का मौला मैं तो आपकी मदद करने को आया हूँ, आपको हुकूमत दिलवाना चाहता हूँ और आप मुझे हलाक करना चाहते हैं। इमाम ने फिर कोई और बात नहीं कही। तारीख बात बताती है कि इमाम खामोश हो गए और कुछ देर नहीं गुजरी थी कि हारून मक्की घर में दाखिल हुआ। अब इमाम ने वो जो नया आने वाला था हारून मक्की उसे सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिए। अब उसे तो कुछ नहीं मालूम कि इमाम की क्या बात हो रही है। इमाम ने सिर्फ इतना कहा हारून मक्की जाओ और जाके तंदूर में बैठ जाओ, उसने और कुछ नहीं कहा। अपनी जूतियाँ उठाई और तंदूर में जाके बैठ गए। अब अबू मुस्लिम खुरासानी इमाम से गुफ्तगू कर रहा है, इमाम मुतमईन बैठे क्योंकि उसने हुक्म इमाम पे अमल किया था, लेकिन अबू मुस्लिम खुरासानी मुतमईन नहीं है, वो पहलू पे पहलू बदल रहा है, परेशान हो रहा है कि अब अंदर हो क्या रहा होगा उसके साथ। जब वो ज़्यादा बेताब हो गया तो इमाम ने कहा देखना चाहते हो, जाओ जाकर देखो कि तंदूर में क्या हो रहा है। अब जब वो गया तो उसने जाकर देखा एक इब्राहिम ही नहीं है जो अपने खुदा पर अगर मिंजनीक से फेंके जाए तो आग उनके लिए गुलजार बन जाया करती है। जो कोई भी इस कायनात में हुक्म इलाही या जो उसकी जानिब से हुक्म इलाही देने वाला है उस पर अमल करे तो आग उसके लिए गुलजार बन सकती है। और हारून मक्की उस तंदूर के अंदर ऐसे बैठा हुआ था कि तारीख के अल्फाज है कि जैसे कोई फूलों की सीट पर बैठा करता है। फरमाए ऐसे कितने तुम्हारे पास हैं, ऐसा तो एक भी नहीं, खुद अपने मुंह से कह पड़ा, एतराफ़ कर पड़ा। वही बात आठवें इमाम की थी कि अगर मामून जैसे अफराद मातहत हो
और आठवें इमाम को खलीफा बनना पड़े तो इमाम ऐसी हुकूमत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ये तो मुमकिन हो सकता है कि मामून जैसा फर्ज जालिम हुक्मरान हो और आठवें इमाम जैसे मान रहे तो, जैसे पहले के दौर के अंदर हुआ था जब किसी ने पूछा था मौलाए कायनात से क्या वजह है कि आपकी हुकूमत संभालने के बाद इतनी जंगें हो रही है, और आपसे पहले जिन्होंने हुकूमत की थी उनमें बड़ा अमन था, फर्क यही था उनके लोगों के दरमियान मातहतों में मुझ जैसे मौजूद थे और मेरी हुकूमत में मातहत तुम जैसे मौजूद है। तो ये मुश्किल हो जाया करती है कि कौन सा फर्द है जो अपना मन से रहना चाहता है। आठवें इमाम ने इनकार कर दिया, लेकिन अजीज़ाने मोहतरम मरकजी शख्सियत तो आठवें इमाम करार पाए, सिक्का उनके नाम से सख्त हो चुका, और अब जब हुकूमतों के अंदर तरीक़ेकार था कि मस्जिदों के अंदर खुतबे पढ़े जाएंगे तो आठवें इमाम का नाम लिया जाता था बतौर वली है, जब मरकजी शख्स कैसे हासिल हो गई, लेकिन मामून अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, जो खुद चाह रहा था वो नहीं हो पा रहा था, तो मामून ने एक दूसरी चाल चली और वो चाल ये कि बात हो गए मरकज के अंदर तो करवाओ इनका मुनाजरा, जितनी भी बड़े बड़े फिरके उनके बड़े बड़े उलमा को बुलवाओ और इन्हें इल्मी तौर के ऊपर लोगों के सामने दिखाओ कि इनके दावे नऊज़ुबिल्लाह बड़े बड़े हैं, वरना ये हकीकत में इन नहीं रखते। तो अब साबियों को बुलवाया गया, ईसाइयों को बुलवाया गया, यहूदियों को बुलवाया गया, मजूसियों को बुलवाया गया, मुसलमानों के फिरकों के इख्तलाफ के अतबार से बड़ी बड़ी शख्सियतों को बुलवाया गया, इतने मुनाजरे करवाए गए सरकारी तौर के ऊपर कि उलूम आले मोहम्मद पूरी की पूरी सल्तनत इस्लामिया में इस तरह से फैलते हुए नजर आए कि छठे इमाम की वो बात पूरी हो गई कि मेरा ये पोता आलिम आले मोहम्मद है। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। और आज तक तारीख के दरीचों के अंदर और किताबों के अंदर वो मुनाजरात मौजूद है कि जिसे पढ़ने वाला हर किस्म के इख्तलाफी मबाइस को जाए अकायदी तौर के ऊपर हो या फिरकों के बहस के ऊपर हो उसका जवाब अगर चाहता है तो आठवें इमाम के मुनाजरे जाकर पढ़े। बस अजीज़ाने मोहतरम गुफ्तगू के इख्तिताम के ऊपर आठवें इमाम का एक ख़त जो उन्होंने शाह अब्दुल अज़ीम के नाम लिखा और शाह अब्दुल अज़ीम से ये कहा कि ये मेरे चाहने वालों और मेरे शियों तक पहुँचा दें। मैं वही ख़त आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और जब भी आठवें इमाम की सीरत में गुफ्तगू का मुझे कहीं मौका मिलता है मैं वो ख़त ज़रूर सामने सुनाता हूँ, क्योंकि ये ख़त ऐसा है कि जो आज के मोमिनीन के मसाइल का ही जवाब है। हमारे आपस के दरमियान बहुत से इख्तलाफात हो जाते हैं, उन इख्तलाफात को निपटाने का अंदाज़ हमारा अपना होता है और हम में से हर एक अपने आप को हक पर भी समझता है। दो रिश्तेदार में मामला हो जाए, दो दोस्तों में हो जाए, दो पड़ोसियों में हो जाए और दोनों मोमिन हो तो दोनों में से झगड़ा तो उसी वक्त होता है ना जब हर एक अपने आप को हक पे समझ रहा है, वरना तो झगड़ा ना हो, एक सॉरी बोले हो बात खत्म हो जाती है। नहीं, मियाँ बीवी हो, भाई भाई हो, बाप बेटे हो, चचा भतीजे हो, दो भाई हो, पड़ोस हो, जब भी इख्तलाफ होता है और इख्तलाफ जारी रहे तो मतलब यही है कि हर एक अपने आप को समझ रहा है कि मैं हक पर हूँ, और इसके बाद अपने अंदाज से अपने इख्तलाफात के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। और आफ्टर इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट ये होता है जब शदीद होता है तो कहता है कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता हूं, अब तुमसे कयामत के दिन मुलाकात होगी। ये अल्फाज वो जो मैंने सुने, अरे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों से जो थोड़ा बहुत दीन जानते हैं वो अल्फाज सीख लेते हैं। कुरान में एक लफ्ज़ है यौम तुबला सराइर, जिस दिन राज खुलेंगे, तुबला जाहिर होंगे और सराइर सिर की जमा है, बस अब उस दिन बात होगी जिस दिन राज खुलेंगे, यानी कयामत के दिन अब फैसला होगा। अब ये हमारा और आपका अंदाज है, आठवें इमाम हमसे क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। फरमाया, इमाम ने फरमाया कि मेरी तरफ से मेरे औलिया और दोस्तों को सलाम पहुँचा। इमाम सलाम पहुँचा रहे अपने चाहने वालों को और अपने दोस्तों को, और इनसे कहना कि अपने नफ्स पर शैतान को राह ना बनाने, अपने नफ्स को ऐसा रास्ता ना बनाए कि जिस पर चल के शैतान उन तक पहुँच जाए। गुफ्तगू में सिद्क और सच्चाई और अदाए अमानत का हुक्म देना, मशवरा नहीं देना, अर्ज नहीं करना, इल्तिमास नहीं करना। इमाम है, अपने चाहने वाले को ऑर्डर कर रहे हैं, उनको कहना है कि अपनी गुफ्तगू में सच्चाई को अपनाएं और अदाए अमानत का ख्याल रखें। इनको कहना खामोश रहा करें, लायाने बेमकसद बातें आपस में झगड़े का नतीजा बन जाया करती। जो बैठे होते हो तुम, बस जहाँ कोई मौका मिला बैठना है ना, टाइम पास करना है तो कोई ना कोई गुफ्तगू करें। कब बेमकसद गुफ्तगू जिसका कोई एंड नहीं होता उसका एंड झगड़ा होता है। बास को बास की तरफ ज्यारत करने का हुक्म देना, बास को बास यानी कहना कि तुम में से बास की ज्यारत को जाया करें, एक दूसरे से मुलाकात किया करो, एक दूसरे की फिर वाज़े अल्फाज फरमाए, एक दूसरे की ज्यारत करने का हुक्म देना। इमाम अपनी ज्यारत के लिए नहीं बुलवा रहे खाली,
हम समझ रहे सिर्फ इमाम की ज्यारत करना मुस्तहब है, नहीं, एक दूसरे से मिलने जाओ, ये खुद एक इटसेल्फ रिश्तेदार की बात नहीं हो रही है सामने। चचा को भतीजे के घर, भतीजे को चचा के घर, नाना को नवासे के घर, नवासे को नाना के घर जाने की बात नहीं हो रही, एक दूसरे को, या बात हो रही शियों को, कहा एक दूसरे की ज्यारत को जाया करना, ये चीज मेरे कुर्ब और मेरी रजा का बाइस बना करता है। इमाम रजा फरमा रहे हैं कि अगर मुझे राजी करना चाहते हो एक दूसरे से मुलाकात को जाओ, अपने आप को एक दूसरे से ताल्लुक के तोड़ने में मशगूल मत रहना। अगर कोई ऐसी नौबत आती है कि जिसमें तुम्हारा इख्तलाफ हो तो इख्तलाफ की का एंड क्या होना चाहिए, हम बनाते हैं कि बात खत्म यूं हो जाए कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखें, एक दूसरे के जनाजे में नहीं जाएंगे, एक दूसरे की खुशी में नहीं जाएंगे, एक दूसरे के अपने बच्चों को जाने से रोकेंगे, एक दूसरे के सलाम का जवाब नहीं देंगे। सलाम कर लिया तो जवाब देना भारी बन जाएगा, सलाम तो करेंगे नहीं, लेकिन अगर सलाम कर लिया बहुत दीनदार है, जवाब देना वाजिब है तो भारी बन जाएगा, खुशी नहीं होगी जवाब देने में। इमाम फरमाते एक दूसरे से ताल्लुक के तोड़ने में मशगूल ना रहना, क्यों? क्योंकि आठवें इमाम फरमाते कि मैंने कसम खाई है, हमारा और आपका इमाम कसम खाता है कि जो ऐसा करेगा मेरे दोस्तों में से किसी को नाराज करेगा, मैं इमाम रजा बद्दुआ करूंगा कि खुदा दुनिया में भी शदीद तरीन अजाब दे, आखिरत में भी उसको शदीद तरीन अजाब मुबतला रखे। ये मेरा मानने वाला नहीं, ये मेरा चाहने वाला नहीं है जो एक दूसरे से झगड़े की बुनियाद पर इतना दूर चले जाए कि फिर एक दूसरे का मुंह ना देखना चाहे, एक दूसरे से ताल्लुक को तोड़ दे, उस शिया तो दूर की बात है, आठवें इमाम की दुआ का लायक नहीं, और इससे बढ़कर आठवें इमाम की बदवा का मुस्तहक बन जाता है। दुआ ना करे तो फिर भी कोई इलाज है, मगर अगर बदवा करे तो फिर किसी तरीके से कोई इलाज नहीं। ये बिल्कुल वही अंदाज है जैसे अल्लाह के रसूल ने मुस्तदरकुल वसाइल के अंदर अपने सहाबा से मुखातब करके कहा था, शिद्दत की बात हो रही, फरमाया वआना मिनहुम बुरा, के जो आखिरी दौर के अंदर अपनी औलाद को दीन सिखाने नहीं भेजेगा वो मुझसे बेजार है, मैं उससे बेजार हूँ। मतलब से बरात है, जो तवल्ला और तबर्रा चल रहा है वहाँ अल्लाह का रसूल फरमाता है कि जो आखिरी दौर में दुनिया कमाने के लिए, दुनिया कमाने से मना नहीं कर रहे, दुनिया कमाने की लालच माँ बाप के दिलों में इतनी बढ़ जाए कि उसे आखिरत पढ़ने के लिए चाहे भी तो ना भेजे, फरमाए ऐसी आखिरी ज़माने की कौम जो मेरी कौम होगी वो मुझसे बरात करती है, मुझ पर तबर्रा करती है, मैं उन पर तबर्रा करता हूँ। फिर क्या इलाज बचेगा, फिर कौन सा इंसान की शफात का मुस्तहक है? अज़ान मौतरा, यह आठवें इमाम का फरमान था और दसवें इमाम फरमान के साथ परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं कि तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें इमाम मासूम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, इमाम मासूम की सीरत पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, आले मोहम्मद के चाहने वालों के दरमियान आठवें इमाम के फरमान के मुताबिक मोहब्बत और एक दूसरे के साथ सुलह और अमन और आशती और एक दूसरे की ज्यारत करने की तौफीक अता फरमा। किसी भी वजह से इज़ान मोहतरम अगर कोई नागवारी गुजर गई है, कोई परेशानी हो गई है, परवरदिगार उसे इसी दुनिया के अंदर हल करते हुए एक दूसरे से ताल्लुकात को बेहतर करने की तौफीक अता फरमा। खुद मौलाए कायनात का उस जख्मी सर के साथ अपने बच्चों को ये खिताब था कि मैंने तुम्हारे नाना को ये फरमाते हुए सुना कि आम मुस्तहक रोज़े और नमाज से बेहतर एक दूसरे के ताल्लुकात की इस्लाह करवाना है, लिहाजा एक दूसरे के साथ हमेशा अपने ताल्लुकात को बेहतर करके रहने की तौफीक अता फरमा। जमाने के इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमा, हमें उनके चाहने वालों में शुमार फरमा, उनके दिल को हमसे राज़ी व खुशू फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत्तव्वाबुर रहीम, बिरहमतिक।